साई प्रणाम सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों का किया भ्रमण, जाम की समस्या से निजात दिलाने के दिए निर्देश। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा छठ पर्व पर व्यापक पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों व घाटों की सफाई के लिए सफाई कर्मियों की गई तैनाती। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में सैनिक स्कूल में मूलभूत सुविधाओं सहित अन्य विषयों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की गई बैठक। राजगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों के उत्पादन एवं क्रय विक्रय से संबंधित अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले 3 अभियुक्तों की 27 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त। महापौर ने छठ घाटों पर सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीपीआरओ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा पर्व के दृष्टिगत 88 ट्रेनों का किया जा रहा संचालन। इंसेंटिव पॉलिसी हाइलाइट्स वर्कफ्लो कार्यशाला का आयोजन उपायुक्त उद्योग की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। ईडीएम प्रशासन ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक कर आवारा पशुओं पर प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर शहर के विभिन्न बाजारों सहित अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सजी गन्ने की दुकानें। सहजनवा पुलिस ने गैंग बनाकर सामूहिक दुष्कर्म व पशु तस्करी का अपराध करने वाले गिरोह के 2 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। छठ पर्व के दृष्टिगत ताल पोखरों घाटों पर SDRF आपदा मित्रों गोताखोरों सहित नागरिकों की सेफ्टी किट के साथ की गई तैनाती। और सेंट एंड्रयूज कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ।